नमस्कार, मैं हूं अंजू और आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मामला शिवनी जिले तहसील की केवलारी का है, जहां कार्यरत कुछ कोटवारों को 10 से 11 माह से तो कुछ कोटवारों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे प्रताड़ित कोटवारों ने तहसील केवलारी कोटवार संघ के लेटर के पेट से SDM केवलारी को सामूहिक रूप से उपस्थित होकर ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने जल्द वेतन दिलवाए जाने की मांग की है। हम आपको बता दें कि लगभग एक माह पूर्व की कोटवारों ने वेतन न मिलने को लेकर तहसीलदार केवलारी SDM केवलारी को कलेक्टर महोदय निवासी को अवगत कराने के साथ आवेदन दे चुके हैं। कलेक्टर महोदय शिवनी के भी वेतन आहरण अधिकारी तहसीलदार केवलारी को नियमानुसार कोटवारों का वेतन आहरण करने के लिए निर्देशित कर दिया है, लेकिन अभी तक कोटवारों को वेतन नहीं मिल पाया है। तहसीलदार के उन ग्राम कोटवारों के सामने बहुत बड़ी आर्थिक समस्या उत्पन्न हो रही है, जिन्हें वेतन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। साबिर खान की रिपोर्ट। दिया है कि 15 से 20 दिन के अंदर पेमेंट डल जाएगी सभी कोटवारों की, और जिसकी 3-4 महीने से रेगुलर पेमेंट नहीं डली है तो उसका जल्दी तक पेमेंट डालने की कोशिश करेंगे बोले सर ने, और जो 10-11 महीने पेमेंट नहीं डली है उनकी थोड़ी सी लंबी प्रोसेस चलेगी, ये आश्वासन देके सर ने भी बोले हैं। पेमेंट कब से नहीं आ रही आप लोगों की? सर पेमेंट तो 10-11 महीनों में सर आई नहीं है अभी। कुछ कोटवारों की अभी 3-4 माह नहीं डली है। अच्छा, सर ने बोले कि डाल देंगे 2-4 दिन के अंदर में। अच्छा, पहले का वेतन क्या वहाँ से निकल गया क्या आपका? सर पेमेंट तो अभी नहीं निकली सर वहाँ से। अच्छा अच्छा, तो सर लोगों ने बोले कि अगले माह 5-10 तारीख के बीच में डल जाएगी पेमेंट कह के। चलिए ठीक बोले गए। ठीक महोदय जी, तहसील केवलारी के ग्राम कोटवारों को 3-4 माह से पेमेंट नहीं मिला है, और बाकी दीगर कोटवार जो 30-35 कोटवार भाइयों बहनों हैं उनको लगभग हो गए 11 महीना 10 महीना 12 महीना हो गए, उनको पेमेंट नहीं मिला है। हम आज SDM महोदय को लेटर पैड में आवेदन दिए। लेटर पैड सामने करिए, ऐसे सामने करो बेटा। ठीक है, आप बताएं।